कमलेश तिवारी की हत्या के बाद देवबंद के बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बार बार विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्योंकि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के अंदर बन रहे अवैध हेलीपैड की जाँच करा रखी है। उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनकी मांग है कि जिन नंबरों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उन नंबरों की जाँच कराई जाए। वहीं एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया हुआ है और साथ ही विकास त्यागी को सिक्योरिटी भी दे दी गई है। इस संबंध में हमको जानकारी है, अभी कुछ दिन पहले मुकदमा कायम हुआ है, इसके थाना स्तर जो कि साइबर संबंधित मुकदमा है वो थाना स्तर योजना की जा रही है। जैसा भी तथ्य सामने आएगा आप अवगत कराया जाएगा। अभी उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ गनर लगा हुआ है। अच्छा, उनका मानना कि जो कमलेश तिवारी के हत्यारे हैं, हो सकता है वे भी इसमें शामिल हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तफ्तीश चल रही है। देवबंद के दारुल उलूम के अंदर अवैध हेलीपैड का जो मामला था वो उठाया, प्रशासन ने उसकी जांच की और उस पर रोक लगाई। देवबंद के अंदर पुलिस से छीनी गई 147 राइफल, कई वर्षों से उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो जो व्यक्ति भी हिंदुत्व के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाता है और उन पर ऐसे धमकियाँ नहीं मिलती, उनकी हत्या कमलेश तिवारी की तरह ही होती है। जो लोग कमलेश तिवारी की हत्या में पकड़े गए हैं, नामजद हैं, पुलिस ने जेल में उन्हें भेजा है। तो मुझे भी जो धमकियां मिली हैं विदेशी नंबरों से मेरी फेसबुक आईडी पर और मेरे फ़ोन पर, हो सकता हो मैं ही लोग धमकी देने वाले मैं ही लोग हूँ। ये तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करनी चाहिए गहनता से, और वो मेरा भी हत्या का षड्यंत्र रच सकते हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन को जाँच करनी चाहिए गहनता से। और जिन लोगों ने धमकी दी है मेरी FIR दर्ज है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।